गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है वीरवार यानी कि साईं बाबा का दिन और मैंने देखो येलो कपड़े पहन लिए हैं। और आज मैंने आपको बताया था कि जो इनके फ्रेंड है केमिस्ट भैया, उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी, आज 13वीं है तो उनके घर में हवन है, तो आज ये शॉप पर नहीं गए। क्योंकि देखो, इंसान सुख पर जाए चाहे ना जाए, पर दुख पर इंसान को जाना चाहिए। ये आज घर में है तो बस मैं नहा धो के तैयार हो गई। ये तो बिल्कुल तैयार होके बैठे हुए हैं, सिर्फ मेरी वेट कर रहे हैं। मैं करने जा रही हूँ पूजा, पूजा करके फिर आपको मिलती हूँ। हे मेरे सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे मेरे लड्डू गोपाल की जय, गोवर्धन लाल की जय। देखो आज मैंने इनको नई ड्रेस पहनाई है जो मुझे आई थी ना। देखो कितनी बड़ी फ्रॉक है, कितनी बड़ी टोपी, देखो इनकी बहुत सुंदर लग रही है। कहते हैं नज़र ना लग जाए। ये देखो साईं बाबा जी ने भी फिरोजी डाले हैं। देखो इनको शॉल भी ओढ़ी है, इनकी जरा मोटी ड्रेस है और इन्होंने नीचे वार्मर सब कुछ पहना हुआ है। और साईं बाबा जी का वार्मर मिलता नहीं है तो मैंने खुद ड्रेस बनाई हुई है इनकी नीचे की। बस अभी अभी हम घर आए हैं तो वहां पर खाना भी था, तो प्रसाद था, तो प्रसाद खा के हम आ गए हैं। तो मैं अब इनको कह रही दुकान पे चले जाओ, कहते हो थोड़ी देर में चाय बना दे और चाय पी के मैं दुकान पे चला जाता हूँ। आज सारा दिन सुबह भी दुकान नहीं खुली। अब कल जन्मदिन है, जन्मदिन करके भी हो सकता है कि सुबह खोले, शायद दोपहर को ना खोले। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कल का कल देखेंगे। और आज मुझे अब गिफ्ट आया है आज जन्मदिन का, मैं आपको दिखाती हूँ बर्थडे का। अभी अभी मुझे गिफ्ट मिला है, ये देखो हैप्पी बर्थडे। और जो गिफ्ट आया है वो GS फ्रूट बास्केट की तरफ से आया है। ये इनका कार्ड है, इन्होंने मुझे पहले भी जब दिवाली थी तब भी मुझे ये फ्रूट बास्केट भेजी थी, अब भी भेजी है। और स्पेशल इनका कॉल भी आया था मुझे हैप्पी बर्थडे के लिए कि मैं एडवांस पे हैप्पी बर्थडे कर रही हूँ क्योंकि मैं बालाजी जा रही हूँ, तो मैंने एक दिन पहले आपको ये टोकरी भिजवा दी है। हैप्पी बर्थडे का हैप्पी बर्थडे और सेहत की सेहत बनाओ। और इनके फ्रूट जो है बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेड फ्रूट होते हैं, सारे अच्छी क्वालिटी के। आप देखिए इसमें अंगूर, स्ट्रॉबेरी, ये देखो चीकू, ये सेब हैं, अनार है, और ये अनार सॉरी कह रही हूँ अमरूद है, और बेर है, और इसमें चीकू भी है, कीवी भी है। ये देखो बहुत अच्छी टोकरी इन्होंने बना की है। थैंक यू GS फ्रूट बास्केट वाले, जो आपने मुझे जन्मदिन पे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। ये देखो मेरे दो मासूम बच्चे कैसे सो रहे हैं, है ना। मैं बैठी हूँ, बेड के ऊपर बैठी हुई थी, अब मैं खड़ी हुई हूँ तो देखो कैसे सो रही है। वो देखो, वो तो कंबल के ऊपर ही चढ़ी हुई है। छत पे थी ये, छत से इसको मैं बड़ी मुश्किल से उतार के लाई। मैं कहा बहुत ठंडा, बारिश हो रही है हल्की हल्की, इसको मैं नीचे लेके आई हूँ और दरवाज़ा बंद रखूँगी ताकि ये ऊपर ना चढ़े। ये तो चढ़ती नहीं है और ये छोड़ती नहीं है। और ये जो बास्केट मैंने ना इनको चाय बना के दे दी एक कप में, मैंने कहा आप चाय पियो, मैं ऊपर जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए, क्योंकि सोनिया कह रही थी कि हल्की हल्की बारिश आ रही है, भाभी जी आप कपड़े उतार लो, तो मैं कपड़े लेने के लिए ऊपर चली गई। जब आई तो ये चाय पी चुके थे, तो मैंने अपनी चाय गैस पे दोबारा रख दी गर्म करने को, ठंडी हो जाती है। इतनी देर में मैं ऊपर से सोनिया डॉली पता नहीं किससे बात करने लग पड़ी, आए तो चाय जरा सी रह गई, सूख सूख के सारी खत्म हो गई चाय। अब उसमें दोबारा दूध डाला है और मैंने चाय को थोड़ा सा बढ़ाया है। देखो बातें करने के चक्कर में चाय भी गई, रोज मैं इनके साथ चाय पीती हूँ, आज मेरा चाय का क्या हाल हो गया। जिस दिन चावल की रोटी बनाई थी उस दिन मैंने इनको कहा था कि मेथी लेके आओ, मेथी तो जरा सी लगी थी चावल में, उसमें डालने के लिए किलो मेथी लेके आए थे, अब ये पड़ी थी, तो मैंने कहा मैं इसको काट के रात को बना लेती हूँ आलू मेथी, या कल सुबह बना लेंगे देख लेंगे जैसे भी है। अब आलू मेथी भी बस आपको पता मेथी काटने में चुगने में बहुत टाइम लग जाता है, बस वही लगी हूँ। और 15-20 मिनट में बाद दुकान पे जाना है, जितनी कट जाएगी कट जाएगी, बाकी आके काट लूंगी। किस चीज का पॉपट हो गया है जल्दी बताओ। चाय गिर गई गाइस। ये देखो बैठे बैठे जैसे मैं बोलती हूँ ना, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ऐसे कार्तिक पीछे से आवाज आ रही थी, गाइस पॉपट हो गया है, गाइस पॉपट हो गया है, और ये बिना ब्लॉग के पॉपट हो गया है इसका। अब मैंने इसकी आवाज सुन लिया, बोल गाइस को बता दे। आज हम चाय बना रहे हैं दोनों, हम दोनों बातें कर रहे हैं, ब्रश किसका, चाय ऊपर आके गिर गई, चाय उबल गई। हाँ अच्छा, हाँ देखो सही बात है, चाय सारी नीचे उबल गई है। पूछी के बुला लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, तूने कुछ और बोलना है YouTube फैमिली को? नहीं। कल क्या है? कल आपका बर्थडे है गाइस। वो कह रही है सोनिया मेरा बर्थडे है। नहीं सोनिया कह रही मेरा बर्थडे है। हुआ ही बहुत ठंडा ना आज। हाँ चलो पीर बाबा के तो हुआ ही।
आज गुरुपुरब है, गुरुपुरब करके गुरुद्वारा बहुत ज़्यादा सजा रखा है भैया, बिल्कुल गुरुद्वारे के बाहर खड़े हैं, कहते जगह नहीं है निकलने की। तो गोलू ने मुझे केक भेजा है, तो ये गोलू और पायल ने दोनों ने केक भेजा है, तो ये ऑर्डर लेके आए हैं। थैंक यू भैया, आपको बहुत दिक्कत आई, फ़ोन बेचारे बड़ी देर के कर रहे थे, कहते फ़ोन नहीं मिल रहा। थैंक यू माजी, कल मम्मी का बर्थडे है। अच्छा, तो बताओ क्या करना है? हा? क्या करना है? रोटी बनानी है, खीर बनानी है। क्या खाओगे आप? है? आप क्या खाओगे? खीर। आप केक तो खाते नहीं? केक नहीं खाती मैं। हम सोच, अभी पता नहीं पापा बता रहे थे कि उनको किसी ने सब बोला है कि एक पूर्व जो दीदी है ना, जो यहाँ पे रहते हैं, जिनके बर्थडे पे भी गई थी मम्मी बच्ची के, हाँ। वो आ रहे हैं, पूजा दीदी, पूजा आएंगे, हेमा मासी आएगी, और एक और है, तो मम्मी को पता नहीं उनके बारे में, अभी वो लोग आएंगे। अच्छा। और फिर वो लंच करेंगे, उसके बाद थोड़ा खा पी लेंगे और केक वेक कट कर लेंगे। आ जाना आप जब केक कट करेंगे उधर। अच्छा, केक कटेंगे ना? हाँ, अभी रात को, आज गोलू भी भिजवा रही है केक रात को। हाँ? गोलू भी रात को भिजवा रही है केक। एक काम जा रही है? नहीं, गोलू केक भिजवा रही है एक। अच्छा, रात को। अच्छा, गोलू केक भिजवा, वो तो आपको पता है हर साल ही भिजवाती है। अच्छा। एक मैं लेकर आई हूँ। अच्छा। और एक अभी देखो कल काटेंगे। अच्छा, हाँ। आज गुरुपुरब है, गुरुपुरब करके जो मेन रोड है पूरा का पूरा, मतलब कि रास्ता नहीं है निकलने का, क्योंकि बाइक वगैरह भैया दूर कहीं खड़ी करके आए थे, वो पैदल आए थे तो गुरुद्वारे आके खड़े हो गए थे, मुझे बहुत देर से कॉल कर रहे थे, तो मेरा कॉल मिल नहीं रहा होगा, तो अचानक से मिल गया। वो कहते मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कहा भैया आप मत आओ, पैदल आ रहे हो, कोई बात नहीं मैं चली जाती हूँ। फिर मैं गई थी गुरुद्वारे के वहाँ पर, गुरुद्वारे के मैं वहाँ से जाके केक लेके आई हूँ, तो पायल, गोलू, अरमान जी, चीकू ने केक भेजा है मेरे लिए, अब रात को 12 बजे हम कट करेंगे। ये गाजर शलगम का अचार है, आप कहोगे रोज ये बहुत खाते हैं, वाकई हम लोग गाजर शलगम का अचार बनाते हैं, और मुझे जो समझ आता है जिसको, मैं उसको भी थोड़ा थोड़ा करके दे देती हूँ। गाजर शलगम का अचार मैंने फिर अभी इसको माइक्रोवेव में डाला है, और अभी ठहर के इसको बनाऊंगी। जो गोलू ने केक भेजा, गोलू पायल ने, ये वाला केक रेड वेलवेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये भी बहुत सुंदर केक है, इसमें लिखा हैप्पी बर्थडे और तीन दिल बने हुए हैं, बहुत अच्छा है। गोलू थैंक यू, पायल थैंक यू, चीकू और अरमान जी थैंक यू सो मच। ये कैडबरीज की चॉकलेट है, ये कुलप्रीत कौर जी की तरफ से आई है, उनको मेरा जन्मदिन याद था, बहुत बड़ी बात है, उन्होंने पायल को और गोलू को जो पोस्टर भेजे थे उन्होंने ही भेजे थे, मेरे घर में आए थे तो मैं गोलू और पायल को देख के आई थी, आज मुझे चॉकलेट भेजी है, तो बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपको मेरा बर्थडे याद था, और चॉकलेट देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और बस ठीक है, और हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे तेरे को भी, माँ का हैप्पी बर्थडे, बच्चे का हैप्पी बर्थडे। हाँ, ये तो है। केक कट कर लिया? नहीं, अभी केक नहीं कट किया, सो गए, सब सो गए थे, अब तो जल्दी सो जाते, 10 बजे सो गए थे, मैंने अलार्म लगाया। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बाकी सुबह कर देंगे सारे, सोने दियो, किसी को उठाइयो मत, ठीक है? तेरा केक मिल गया, अब तेरा केक ही काटूंगी, दिखा दे केक, इसको केक दिखा। हाँ, गुरु को केक दिखा, केक काटू, काटू केक, चला अभी काटती हूँ, जी ना जल्दी ले आ केक, ले रहा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। गोलू पहले तू खा ले, ए मेरे को गोलू पहले, सबसे पहले तू खा। चल अब आप मम्मी, थैंक यू, चल करती हूँ, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं। ये देखो ये ड्रेस याद है, देखो ये ड्रेस याद है, देखो देख तू लेके आई थी ये वाली, ये देख बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी ड्रेस है ये। चल ठीक है, चल सो जा गोलू, चल ठीक है, बाय, सो जा। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलो। हमने रात को अभी 12 बजे केक काटा है, कल शाम को एक केक और कटेगा, और
देखो शाम को क्या होता है, कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत हेमा आएगी, पूजा आएगी और कौन आता है देखो कुछ नहीं पता, तो कल का प्रोग्राम कल देखते हैं। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।